देखिए, जैसे भगवान सुदामा जो है भगवान किसके पास गए थे, वैसे एक भक्त है माँ वैष्णो के पास जाता है और देखिए क्या विनती करता है। ये गरीबी बड़ी ख़राब चीज़ होती है, सबसे आदमी के पास अगर पैसा नहीं है तो एक ना एक मुसीबत आती, लेकिन अगर पैसा रहता हर एक चीज़ हल कर लिया जाता है। इसीलिए कहा गरीबी बहुत ख़राब चीज़। जी साहब ने कहा भी है कि देने वाले जिसे दे गरीबी न दे, मौत दे दे मगर बदनसीबी न दे। देने वाले जिसे दे गरीबी न दे, मौत दे दे मगर बदनसीबी। क्या कहता भक्त देखिए मार्गदर्शन के लिए कि देखो देखो ये गरीबी का हाल, माँ के दरबार में विश्वास लेके आया है, सभी भक्तों का सुनती है मैया, यही सोचकर चरणों में आया है। देखिए भक्त जाता है और कहता ये मेरी माँ है, माँ जो है बच्चे का बुराई नहीं देखती, भले चाहे कितना लड़का नालायक हो। तो कहता क्या है, माँ अपने पुत्र का दोष नहीं देखती, माँ अपने पुत्र का दोष नहीं देखती, इसी भावना से चरणों में आया है। हे वैष्णो मैया सुन ले रे बिंदी, हे वैष्णो मैया सुन ले रे बिंदी, दर्शन को तेरे भक्त आ गया है, दर्शन को जाओ। भटकते भटकते कष्ट सहते सहते मंदिर के तेरे करीब आ गया है, मंदिर है। हे वैष्णो मैया सुन ले रे बिंदी, है दर्शन को तेरे भक्त आ गया है, आए है पहाड़ वाली मंदिर में तेरे, है पहाड़ वाली एक गरीबी मिटाने भक्त आ गया है, न सर पे है पगड़ी न तन पे है कुर्ता, न सर पे है बता हाँ बता दो रे मैया से भक्त है तुम्हारा, हाँ बता दो रे मैया से हाँ बता दो रे। एक बार बिनती सुन ले रे मैया, सुनने सुनाने का वक्त आ गया है, हे वैष्णो मैया सुन ले रे बिनती, दर्शन को तेरे भक्त आ गया है, सुन ली पुकार भक्त की मैया ने, सुन ली पुकार
दर्शन दिया भक्त को मैया ने दर्शन दिया भक्त हुआ पुजारियों को बड़ा ही अचम्मा हुआ पुजारियों को ये भक्त कैसा अजीब आ गया है ये भक्त हे वैष्णो मैया सुन ले रे बिनती ये दर्शन को तेरे भक्त आ गया है मैया के चरणों में शीश झुकाया मैया के आशीर्वाद देकर मैया ने बैठाया आशीर्वाद देकर न घबराओ प्यारे न घबराओ जरा तुम है पुत्र प्यारे न घबराओ जरा तुम खुशी का समा तेरे करीब आ गया है हे वैष्णो मैया सुन ले रे बिनती दर्शन को तेरे राम राज आ गया है दर्शन को आए हे पहाड़ वाली मंदिर में तेरे हे गरीबी मिटाली गरीबी मिटाने गरीब आ गया है गरीबी जय मां वसुदेव जय दर्शन के लहदर बजाल पटू रही बू की ना अहिबू अहिबू मायरी आ